भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। तो जब जीव भटकता है तो जैसे हमारे बच्चे के भटक जाने पर हम दुखी होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे भटक जाने पर हमारे परम पिता सर्वेश्वर श्री कृष्ण भी परेशान होते हैं। कलयुग के व्यक्ति को देखकर परेशान है सर्वेश्वर श्री राधा, पूछती हैं क्यों उदास हैं आप। तब श्री कृष्ण कहते हैं ये कलयुग का व्यक्ति बुरे कर्म कर कर के बुरी योनियों में जाता है, कष्ट पाता है, दुख पाता है। ये सही मार्ग क्यों नहीं चुनता, ये गलत रास्तों पे जा रहा है, दुख पा रहा है। मैं इनको दुखी देखकर खुद दुखी हो रहा हूं, मैं चाहता हूं ये सुखी हो जाए। मैं उदास हूं, मैं परेशान हूं कि मेरी संतान भटक रही है। सर्वेश्वर श्री राधा ने पूछा आप इनके कल्याण के लिए क्या सोच रहे हैं। बोले मैं सोच रहा हूं कि कोई मेरा कोई हमारा दूत जाए पृथ्वी पर और हमारी कथाओं का गायन करे, हमारी कथाओं का गायन करके इन सबको सुनाए। भटके हुए लोग जब भगवान की हमारी कथा सुनेंगे तो सच मार्ग पर सही मार्ग पर अपने कल्याण करने की इच्छा इनके मन में जागृत होगी और कथाएं इनका बेड़ा पार कर देंगी। किसको भेजेंगे, बोलिए सुख जाएगी। ये देश बड़ा पवित्र देश है, जिस देश के पशु पक्षी भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो सोचिए जिस देश के पशु पक्षी भक्ति करते हों उस देश के मानवों को कैसा होना चाहिए, आप कल्पना कीजिए। और ये पहली बार आप नहीं सुन रहे, इस देश में जटायु सीता की रक्षा के लिए प्राण आहुति देता है, मोर बंदर सब कृष्ण से प्रेम करते हैं, गाय कृष्ण की एक बांसुरी की धुन पर दौड़ पड़ती है। ये क्या वो हम मानवों से तो अच्छी वही है। हम लोग तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड पता है क्या, भजन करने वालों को, कथा सुनने वालों को, अच्छा कर्म करने वालों को क्रिटिसाइज, उनकी बुराइयां करो। और जो उनकी बुराई करे वो मॉडर्न है, वो मॉडर्न है, वो महान है, ये क्रिटिसाइज कर, अच्छी बात है क्रिटिसाइज करो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कभी कभी अपने अंदर भी झांको कि आप कहां जा रहे हो। हम ही नहीं, हमारे देश के पशु पक्षी भी भगवान के भक्त हुए, भगवान के भक्त हैं।